हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं बना रही हूँ रसम मसाला। के मेरे साउथ इंडियन में मेरे घर में मेरे घर का मसाला ऐसे बनता है, मेरी मम्मी ऐसे बनाती हैं और बहुत सारा ढेर सारा पीस के रख लेते हैं। हम चक्की से पिसवाते हैं, नहीं तो उखली में कूटते हैं। उखली में जो कूटते हैं ना मसाले, उसमें कूटा जाता है। तो ये देखो मैंने क्या क्या मसाले रखे हैं, इसमें दालें रखी हैं, एक एक सब कुछ करके बताऊंगी। ये मेरा रसम मसाला है और तरकारी मसाले में भी डाल सकते हैं। तरकारी की सब्ज़ी बनाते हो ना तो ये मसाला डाल सकते हैं। तो मैंने रखा है कड़ी पत्ता, धनिया, सूखा धनिया, मेथी, जीरा, काली मिर्च, उड़द दाल और थोड़े से चावल और अरहर की दाल और चना दाल और लाल मिर्च। ये देखो एक एक करके मैं भून रही हूँ। ये लाल मिर्च को मैं भूनूंगी, पहले थोड़ा थोड़ा भूने, सब कुछ अलग अलग भूने, क्योंकि एक साथ भूनने से कुछ चीज़ें भूनती हैं कुछ चीज़ें नहीं भूनती हैं। तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, सोंधी खुशबू आती है भूनने से। देखो ये मेरे घर में ऐसे ही भूना जाता है, मैंने भी अपनी मम्मी से ही सीखा है, क्योंकि ये वहाँ का जो बटर होते हैं, खानसामा होते हैं, वो ऐसे ही मसाला पीसते हैं उनके शादी में। साउथ इंडियन के हिंदुओं की शादी बहुत ही मसाले बहुत ही अच्छे होते हैं उनके, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और हम भी ऐसे ही मसाले पीसते हैं, जो जहाँ रहता है ना वो वहीं की तरीके तौर तरीके उसको आते हैं, वो वैसे ही सीखता है। ये देखो ये मेरी नानी दादी के तरीके से सीखने का मसाले हैं। मैंने चावल भून लिए थे, मिर्चें भून ली थी, अब मैं दाल भून रही हूँ, चने की, अरहर की दाल। ये देखो ये चने की दाल है, ज़्यादा लाल या काला करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक इसमें सौंधी खुशबू ना आ जाए तब तक भूने। ये देख लो आज मैं बना रही हूँ रसम मसाला, क्योंकि आजकल सबको कोल्ड हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो रसम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लो रसम बना रही हूँ, रसम का मसाला बना रही हूँ मैं। ये मैंने डाली है जी चने की दाल, इसको अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, खुशबू आए तक, सौंधी खुशबू आने तक, और अच्छी सी, और इसको लाल करना ज़रूरी नहीं है, सौंधी खुशबू से पता चलेगा कि भाई ये भून चुकी है, थोड़ी थोड़ी लाल हो जाती है तो उसको निकाल दें। ये देखो थोड़ा टाइम लेती है दाल भुनने में, ये मेरा दाल का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसको निकाल दूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी। उतनी ही दिक्कत पीसने में भी होती है गाइस, देखो जैसे उखली में कूटते हैं। अब इसमें मैंने डाला है उड़द दाल और धनिया, साबुत धनिया डाला है इसमें। ये देख लो इसको भी ऐसे ही भूनना है, अच्छे से भूनना है, इन सबको गर्म करना है, लाल करनी है चीज़ों को। अब मैंने डाली है जीरा और काली मिर्च, मेथी, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जल्दी जल जाती हैं, अगर इकट्ठे ही डाल दी हूँ सारा एक ही साथ डाल के मैं भूनती हूँ तो ये चीज़ें जलने का डर है। ये देख लो रसम के लिए काली मिर्च ज़्यादा ही डालें, मैंने भी इतनी ही डाली है। जो रसम का कच्चा मसाला होता है, मिर्ची, लहसुन, काली मिर्च, तो उसमें भी पीसी जाती है लहसुन, काली मिर्च, इसीलिए ये मैंने सारे मसाले भून के पीस के रख लिए। ये मेरे मम्मी के मसाले हैं, ये बेंगलोर का मसाला है रसम का। मैं हींग इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि कुछ दिन रखने के बाद सारा मसाला हींग हींग का ही हो जाता है, खुशबू दूसरे का मसाला, दूसरे चीज़ों का मसाला खुशबू गायब हो जाता है। ये देखो अभी मैं पीस रही हूँ इसको, बहुत मुश्किल होती है गाइस पीसने में, बहुत ही, मेरे को कम से कम 1 घंटा लग गया था इतना सा मसाला पीसने के लिए, 1 घंटा लग गया था। तो देख लो, या तो हम बैंगलोर में क्या करते हैं, इसको 2 या 1 किलो पिसवा के रख लेते हैं, चक्की से पिसवा लेते हैं मसाले, तो तभी हमें इजी होती है, क्योंकि परिवार तो बड़ा होता है तो चक्की से पिसवाना बहुत ज़रूरी होता है। इतना इतना पीसने से क्या होता है, तो इंस्टेंट इतना पीस लो तो दिक्कत नहीं है, और नहीं तो उखली में कूट लेते हैं, तो मिक्सी जिसके पास है तो उसको तो इजी ही है।
मिक्सी में हर काम इजी हो जाता है, पर मिक्सी में करने से वो टेस्ट नहीं आता। जो पत्थर में पीसा हुआ जो मसाले का आता है, उखली में कूटा हुआ जो मसाले का टेस्ट आता है, वो मिक्सी का नहीं आता। ये देख लो, फिर भी मैंने इसको अच्छे से दरदरे से, मैं इसको छानूंगी नहीं क्योंकि मुझे ये मसाला दरदरा ही चाहिए और लहसुन में मसाला दरदरा ही पीस के डाला जाता है, तो इसलिए मैंने इसको दरदरा ही रखा, छानूंगी नहीं। ये मसाला बहुत टेस्टी मज़ेदार, अगर मैं फ्रिज में रखना होता, कच्चा मसाला बना के रखती तो सब कुछ इसी में पीसती।